नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। खैरागढ़ तहसील में फैला भयंकर भ्रष्टाचार, पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों की उदासीनता। भीषण गर्मी से जूझ रहे सभी देशवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। देश में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं व पेयजल संकट को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण खैरागढ़ तहसील में अधिवक्ताओं और वादकारियों के सामने पेयजल की भयंकर समस्या है, क्योंकि आरओ मशीन हैंडपम्प कई वर्षों से जर्जर हालत में ख़राब है। इस संबंध में खैरागढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट राजू कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट वासुदेव सिंह परमार, एडवोकेट जोगिंदर सिंह और भी अधिवक्ताओं ने बताया कि खैरागढ़ तहसील की पेयजल की समस्या के समाधान की शिकायत उच्च अधिकारियों से काफ़ी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, पर नीचे बैठे अधिकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। मामला खैरागढ़ तहसील परिसर का है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी खैरागढ़ तहसील परिसर में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करते होंगे। मामला गंभीरता से विचार करने योग्य है। आखिर लापरवाही की हद होती है, यहाँ तो जना लापरवाही की हद ही पार हो गई है। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, आगरा मंडल ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर राजवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। परिचय, मेरा नाम राजीव कुलश्रेष्ठ जी, खेराड़ बार एसोसिएशन का सह सचिव प्रकाशन। सर, खेरागढ़ तहसील की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या है पेयजल की जी। यहाँ पर बाधकारी आते हैं या तहसील मुख्यालय होने के बाद भी पानी की समाधान के लिए कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई है। आरओ प्लांट भी लगा हुआ है, जिसकी शिकायत हम मेरे द्वारा एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारियों से एवं इतनी शिकायतें कर चुके हैं, पर फिर भी उसकी समाधान का नहीं किया गया है और आज की तारीख में भी आरओ मशीन खराब लगी हुई है। दूसरी समस्या ये लगी हुई है कि तहसील खेरागढ़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो अभी तक सही नहीं हो पाए हैं और चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं ये तो आपको भी जानकारी है कि सारे तार टूटे गए हैं, पर जो है कि हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।